हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रियलमी C3 में आपको गेम स्पेस कैसे यूज़ करनी है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले सेटिंग्स में चले आना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना, सबसे नीचे यहाँ पर देख सकते हैं गेम स्पेस, इस पर आप क्लिक करेंगे और अब आप देखते हैं मैनेज माई गेम्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर आप जो भी गेम चाहे वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फ़िलहाल कुकिंग मामा, यहाँ पर ये गेम है, इस पर आप क्लिक ऐसे क्लिक करेंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे और ये गेम ऐड हो चुकी है गेम स्पेस में। तो जब भी आप इस गेम को प्ले करेंगे तो आपके ये गेम स्पेस में गेम प्ले होगी और आपकी गेम बहुत ही अच्छे से चलेगी। तो दोस्तों अगर आप इस गेम को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हाइड गेम आइकन ऑन होम स्क्रीन, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी गेम होम स्क्रीन से हाइड हो जाएगी। तो अनहाइड करने के लिए इसे आप सिंपली यहाँ से ऑफ कर देंगे और आपकी गेम हाइड अनहाइड हो जाएगी। तो दोस्तों गेम स्पेस से होता यह है कि जब भी आप किसी भी गेम को गेम स्पेस में ऐड करते हैं तो आपको इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं और आपकी गेम बहुत ही अच्छे से चलती है, हैंग या लैग नहीं करती, बहुत ही स्मूथ चलती है और आप गेम खेलते वक्त डिस्टर्ब भी नहीं होते।